नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज TGT मॉडल पेपर 5 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की वह सबसे महंगे कलाकार जिसकी एक नीले रंग की आयल पेंटिंग अनटाइटल्ड शीर्षकहीन मार्च 2021 में सैफ्रन आर्ट नीलामी में रिकॉर्ड 39.98 करोड़ रुपए में बिकी। इसमें 39.898 करोड़ रुपए में बिकी है। कब बिकी है? तो मार्च 2021 में सैफ्रन आर्ट नीलामी में, और शीर्षक क्या था? अनटाइटल्ड। तो भारत के सबसे महंगे कलाकार हैं, तो यह अनटाइटल्ड शीर्षक है। मार्च 2021 में सैफ्रन आर्ट नीलामी में रिकॉर्ड 39.98 करोड़ रुपए में बिकी। तो वह कलाकार हैं BS गायतुंडे, ऑप्शन नंबर सी। कौन है? BS गायतुंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? तो सबसे पहले मित्रों, बरोक कला का अर्थ क्या होता है? बरोक कला का अर्थ, इसका अर्थ होता है भौड़े आकार का मोती, भौड़े आकार का मोती, या इसी को अव्यवस्थित रूप कहते हैं। क्या? या अव्यवस्थित रूप को ही बरोक कला कहा जाता है। एक लाइन में अगर इसके अर्थ की बात की जाए कि तो बरोक कला का अर्थ है भौड़े आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप को बरोक कला कहा जाता है। बात होती है बरोक कला के जन्म का, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो कि इटली में 16वीं सदी में पनपी, कब? 16वीं सदी या शताब्दी में पनपी है। बरोक कला का समय की बात की है तो 1600 से 1800 के मध्य इसका समय है। इस शैली के पिता की अगर बात की जाए या मुख्य कलाकार की, तो ये है माइकल एंजेलो मेरिसिसो द कैराविज्जिया। माइकल एंजेलो मेरिसी द कैराविज्जिया। और बरोक कला के और मुख्य कलाकार हैं जैसे बर्निनी के, जो कि है प्रसिद्ध इटालियन कलाकार हैं बरोक शैली के। इनकी कृति थी अपोलो एंड डेफनी। क्या है? अपोलो एंड डेफनी, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा।
बस्ट ऑफ लुईस 14वां को इन्होंने ही मूर्ति बनाई थी बर्नेनी ने। और परो कला के जो कि महत्वपूर्ण है करेबजियो, करेबजियो का कृति है ताश के धोखेबाज। और कौन सी है, 1599 से इन्होंने 1600 के मध्य मैथ्यू का बुलावा, इन्होंने एक पेंटिंग बनाया था मैथ्यू का बुलावा। रिम्ब्रा मित्रों बरो कलाकार, कला के जो कि प्रसिद्ध चित्रकार हैं रिम्ब्रा। रिम्ब्रा के चित्रकाल की कला की अगर प्रसिद्धि की बात की जाए तो ये है रेखा। इनकी कला के प्रसिद्धि का कारण रहा है रेखा। और ये है जो कि एक प्रिंट मेकर भी थे रिम्ब्रा। रिम्ब्रा के अगर विषय की बात की जाए मित्रों तो इनके विषय अक्सर जो कि बाइबिल से होते थे। किससे? बाइबिल से। इनकी प्रमुख चित्रण है जैसे कि लेटी हुई लड़की, कौन सी? लेटी हुई लड़की। और रिम्ब्रा को मित्रों नाटकी प्रकाश के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, सबसे अधिक जाना जाता है। रिम्ब्रा ने टोटल मित्रों 62, रिम्ब्रा के आत्मचित्रों की कुल संख्या थी 62। और रात्रि की पहरी जो कि रिम्ब्रा की महत्वपूर्ण चित्र है। 1986 में मित्रों रिम्ब्रा का जो पोर्ट्रेट ऑफ एक यंग गर्ल, यह 61,71,00,000 रुपए में बिकी थी। और तीन गायक चित्र भी रिम्ब्रा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त सूत्र में कितने भाग में विभक्त है? चित्र सूत्र कितने भाग में विभक्त है? चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है? टोटल 9 भाग, कितना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दाविद की नहीं है? दाविद की नहीं है, कौन सी कृति दाविद की नहीं है? तो यह है हुराती की शपथ, आलप्स पार करता नेपोलियन, और नेपोलियन का सिंहासनारोहण। ये तीनों दाविद की जो कि कृति है, ब्रेडा का समर्पण ऑप्शन नंबर डी, यह जो कि आपका दाविद की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्टूनिस्ट के बनाए कार्टून चित्र चाचा चौधरी और शाबू काफी लोकप्रिय किरदार बने? कौन सा? चाचा चौधरी और शाबू काफी लोकप्रिय किरदार बने। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? 1947 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो यह किसे मिला था? किसे मिला
था। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, धनराज भगत। किसे? ऑप्शन नंबर बी, धनराज भगत। बात होती है धनराज भगत की, तो धनराज भगत का जन्म 1917 कहां पे? लाहौर में 1917 में हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा बीए स्कूल अपार्ट लाहौर से, कहाँ से? मेयो स्कूल अपार्ट जो कि लाहौर से लिया था। धनराज भगत जो कि इनकी प्रसिद्धि है मूर्तिकार, क्या है? मूर्तिकार है। 1947 में इन्हें फाइन ऑफ आर्ट्स का जो कि प्रथम पुरस्कार भी मिला। और ब्राइड जो कि कास्ट मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया, और शिवा डांसिंग प्लास्टर पर, क्या? शिवा डांसिंग प्लास्टिक पे। अगर इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प की बात की जाए तो पहला घोड़े की नालबंदी, क्या? घोड़े की नाल बंदी शिवा, दूसरा शिवा डांस, तीसरा है सितार वादक, क्या है? सितार वादक, चौथा है बांसुरी वादक, पांचवा है द किस, द किस, छठा है कॉस्मिक मैन, आठवां द किंग, नौवां है स्टैंडिंग फिगर, फ्लूट प्लेयर, मोनार्क, क्वीन, जो कि इत्यादि इनकी मूर्ति शिल्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक पेंटिंग ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स, तो यह ऑप्शन नंबर सी, डी एच गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर ए 1775, ऑप्शन नंबर ए 1775। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली? हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली? हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली?
किस स्थान पे फली फूली। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? बूंदी शैली। कौन सी है? तो बूंदी शैली ऑप्शन नंबर बी। बूंदी शैली में अगर बात की जाए स्थापना की, तो 1342 में, कब? 1342 में राव देवा जी ने किया था, जो कि हाणा राजाओं की राजधानी बूंदी में ही थी। बूंदी शैली की चित्रकला को देखकर मित्रों रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा, ये चित्र मानवों ने नहीं जिन्नात ने बनाए हैं। बूंदी शैली की विशेषता रही है रंग, क्या रही है? रंग। और बूंदी चित्रकली चित्र शैली की रंग योजना रही है चटकोली, क्या रही है? चटकोली। बूंदी शैली की रंग योजना रही है चटकोली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजा को पद्मभूषण से कब सम्मानित किया गया? राजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? राजा, एसएच राजा। एसएच राजा ने मित्रों बिंदु श्रृंखला बनाई थी, कौन सी? बिंदु श्रृंखला। बात होती है इन्हें पद्म भूषण सम्मान की, तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान जो कि सन 2007 में ऑप्शन नंबर बी, और पद्म श्री की बात की जाए तो पद्म श्री 1981 में, कब? 1981 में। और 2015 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर इन्हें मिला, और 2013 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, क्या? पद्म विभूषण। पद्मश्री 1981 में, फ्रांस का लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड 2015 में, और पद्म विभूषण 2013 में इनके मिला था। इनके प्रसिद्ध अगर कुछ चित्रों की बात की जाए तो जैसे संसार, सेरीग्राफ, राजस्थान चित्र श्रृंखला, चौपाटी, आज, कश्मीर की एक गली, पतझड़, प्रकृति, नाद बिंदु, जल और सहरा चित्र, जो कि इनके प्रसिद्ध चित्रण है। राजा ने एक चित्र बनाया था मित्रों, जो कि भारत के विभाजन व मुंबई के दंगों में, जो कि मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान होने वाले दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं। भारत विभाजन के समय इन्होंने बनाया था सिटी स्केप और मुंबई के दंगों के लिए बारामूल इन रुइंस, जो कि ये प्रसिद्ध चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला में वाह भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है? वाह
भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीक में नहीं होता है? वाद्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीक में नहीं होता है? वाद्य पदार्थ का प्रयोग, तो जो कि यह ऑप्शन नंबर बी बाटिक में है। किसमें? बाटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नवंबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण, तो यह जो कि केवड़िया गुजरात, कहां पे? केवड़िया गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है? पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड? ये है ऑप्शन नंबर बी टॉय स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूप ब्रज, अद्भुत लोक और नवहिल्लोर शीर्षक के से लिथोग्राफों की श्रृंखला किसने तैयार की? लिथोग्राफों की श्रृंखला किसने तैयार की? विरूप ब्रज, अद्भुत लोक और नवहिल्लोर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए गगेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज किट, जिसका जन्म 1901 ईस्वी में श्रीलंका में हुआ था, इनका प्रसिद्ध चित्र है? इनका प्रसिद्ध चित्र है, यह ऑप्शन नंबर ए गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रंदन करता ऊंट किसका चित्र है? क्रंदन करता ऊंट किसका चित्र है? तो क्रंदन करता ऊंट जो कि ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? तो जीवन स्मृति का चित्रण ऑप्शन नंबर ई गगेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार ने 1938 में पक्षाघात या हार्ट अटैक कारण निधन हो गया? 1938 में पक्षाघात कारण, तो ये है ऑप्शन नंबर डी गगेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्रकार को मास्टर मुसाय कहा जाता था? मास्टर मुसाय कहा जाता था, तो यह है ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर ख्यान, मेघदूत, अलिफ लैला के चित्रों को किसने निर्मित किया? उमर ख्यान, मेघदूत, अलिफ लैला,
इस चित्रों को किसने निर्मित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्र टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल शैली में महत्व है। बंगाल शैली में महत्व है, तो बंगाल शैली में ऑप्शन नंबर ए कल्पना का, इसका कल्पना का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? मेघदूत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? तो यह ऑप्शन नंबर बी, अशित कुमार हल्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर का किताब दिया था? किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था? तो यह ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा व हमीर हमजा के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? शाहनामा व हमीर हमजा की चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, ईरानी। क्या है? ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई? किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई? तो यह है ऑप्शन नंबर ई, हिंदू और ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? तो यह ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा माना जाने वाला कंबोडिया की अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था? कंबोडिया की अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था?
था। तो यह ऑप्शन नंबर सी 12वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो यह ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ मंदिर पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? षडंग में नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर बी अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी प्रयागराज 2022-23 में विशिष्ट अतिथि सम्मान से किसे विभूषित किया गया? तो यह सम्मान जो कि राकेश गोस्वामी, किसको? राकेश गोस्वामी जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ। तो यह ऑप्शन नंबर तीन महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिड़ला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला मस्जिद कहाँ स्थित है? कला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? तो यह है ऑप्शन नंबर ई गगेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला पत्रिका नंदन कहां से प्रकाशित होती है? नंदन कहां से प्रकाशित होती है? तो यह ऑप्शन नंबर बी कला भवन शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित कलाकार है? गवर्नमेंट देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित कलाकार है? तो NS बिंद्रे, MA भूषण, देवना देव यानी कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, तो यह ऑप्शन नंबर बी सारनाथ के सिंह शीर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला विषय संपूर्ण ग्रंथ है, कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ है? तो यह ऑप्शन नंबर ए विष्णु धर्मोत्तर पुराण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो कलाकारों ने ज्यामिति चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया है? अपने चित्रों में किया है क्या? ज्यामिति चलन, चमकदार रंग एवं तकनीक का समावेश। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, पाब्लो पिकासो एवं जॉर्ज ब्रा, जो कि यह घनवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कौन से? घनवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, युद्ध कलाकार, ये ऑप्शन नंबर डी, कंवल कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर द्वारा निर्मित पहली इमारत किसे माना जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अगर नींव की बात की जाएगी, नींव किसने रखा? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? नींव। अगर निर्माण की तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? बालकृष्ण, तो यह ऑप्शन नंबर ए, तंजोर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवचेतन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति अपनाने वाली कला आंदोलन का क्या नाम है? अवचेतन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति, तो यह ऑप्शन नंबर ए, स्वप्नवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला जिज्ञासुओं का साक्षात्कार पहली बार भारतीय चित्रकला के किन कला अवशेषों के माध्यम से हुआ? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अजंता। क्या है? अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप स्वर्गीय राय कृष्ण दास को कब प्रदान किया गया? किसको? राय कृष्ण दास को, लखनऊ का प्रथम फेलोशिप। ऑप्शन नंबर बी, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के किस शहर के निकट है? उड़ीसा के किस शहर के निकट है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में अधिक निर्मित हुई, चोल काल में अधिक निर्मित हुई, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, धातु मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है
तो ये ऑप्शन नंबर बी श्रवण बेल गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है, भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। अंतिम प्रश्न, बुद्ध के जन्म की प्रतीक के रूप में बनाया गया है, बुद्ध के जन्म की प्रतीक के रूप में बनाया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी कमल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।